हाय, गुड मॉर्निंग। से हाय खुशी, हाय करो। हाय तो गाइस, आप देख सकते हैं अभी हो रहे हैं सुबह के 7:30 और हमारे आए हैं घूमने। तो आप देख सकते हैं कितना ज़्यादा कोहरा है यार। तो अभी हम ब्रश नहीं किए हैं। आज कौन सा डे है? जब से यहाँ आ गए कल हैं डे डेट नहीं पता रहती कौन सी डेट है आज, तो जाने दो, डोंट माइंड। तो गाइज, इतना टाइम पता है क्योंकि मैं 7:30 के बाद ही उठती हूँ, तो अभी ब्रश नहीं किए हैं। तो हम लोग सोचे चलो थोड़ा सा घूम आते हैं, आप लोगों को दिखाते हैं वेदर कैसा है यहाँ। इतना ज़्यादा कोहरा है आप देख सकते हैं। तो हम लोग यहाँ कोहरे का मज़ा ले रहे हैं आप लोग क्या कर रहे हो बताइएगा। तो चाय वाय हो गई कि नहीं? ओ यार, बड़ी ठंडी लग रही है। तो गाइज, यहाँ से चलेंगे, फिर रेस्ट करेंगे, फिर देखेंगे, फिर चाय पियेंगे, देखते हैं कि मेरी भाभी क्या बनाती है, तो वो हम आप लोगों के साथ शेयर करेंगे। तो ये ब्लॉग ज़्यादा बड़ा नहीं बनाएंगे, छोटा सा ही बनाएंगे। बस आप लोगों को मिस कर रही थी इसलिए मैंने शूट कर लिया। तो शूट कर रहे हैं, कर लिया नहीं, अभी इसको एडिट करना है, फिर देखते हैं कब एडिट करते हैं, कब अपलोड करते हैं। तो हम लोग अपनी फील्ड की तरफ आए हैं, यहाँ पर बहुत ज़्यादा ठंड है, आप देख सकते हैं, बहुत ठंड है यार, हाथ देख लो। तो गाइस, ये है मेरी सिस खुशी। एंड खुशी, किस क्लास में हो आप? एट तो ये हैं 8th क्लास में। इनकी हाइट देख के बस सोचिए कि इनकी ये ज़्यादा है। ये हैं कितना, 14 ईयर्स की, 14 ईयर्स हो एम जी, और हाइट मुझसे बड़ी। तो आज तो बहुत ज़्यादा ठंडी है, और क्या कहें, इतना ज़्यादा कोहरा है कि पास में ही क्या है क्या नहीं है कुछ दिख नहीं रहा है। और हम लोग घूमते घूमते आ गए रोड पे। रोड तो आपको दिखेगा नहीं, चलो दिखा देते हैं, थोड़ा सा वर्कआउट भी हो जाएगा वैसे मुझे वर्कआउट की ज़रूरत नहीं, बट फिर भी कर ले रहे हैं, गाँव में हैं, इसका साथ है तो घूम ले रहे हैं। तो चलो देखते हैं, आप देख सकते हैं कैसा। तो ये है रोड, हाँ गांव की रोड ऐसी ही होती है। चलो चलते हैं अब अपनी बाग में, अपनी बाग दिखाएंगे हम। थोड़ा सा वीडियो शूट किए हैं, आज तो दिखेगा नहीं कुछ क्योंकि आज बहुत ज्यादा कोहरा है। ये है, पास में ही है बाग मेरी, बट कोहरे की वजह से दिख नहीं रहा है, तो आज तो नहीं दिखेगा। और कल मेरी से सोच रही थी, कल मैंने थोड़ा सा वीडियो शूट किया था, तो कल पूछ रही थी कि दी आप अकेले क्यों बात करते हो, अब आप लोग इसको समझा दीजिएगा अकेले क्यों बोलते हैं। और एक और मेरी सिस थी, उसकी विदाई हो गई रीसू की, उसके साथ हम दो, मतलब हम दोनों, हम खुशी और रीसू तीनों जन रहते थे साथ में, वो चली गई, अब ये ऑल टाइम साथ में रहती हैं। ये मुझसे काफ़ी छोटी है इसलिए मतलब ज़्यादा इनसे कुछ शेयर नहीं करते, काफ़ी छोटी है ना, 8 या 9 ईयर्स की छोटी है। तो माय गॉड, आप लोग देख रहे होंगे और कोहरा मतलब बढ़ता ही जा रहा है, घटने का नाम ही नहीं ले रहा है यार। तो यहाँ से चलेंगे, फिर देखेंगे भाभी क्या बना रही हैं। वैसे मुझे पता है क्या बनाएंगी, वही मटर और आलू तलेंगी, उसको क्या बोलते हैं गांव में, कचालू, कचालू बनेगी। कहाँ लिवा चल रही हो खुशी, ये देखो मुझे पता नहीं कहाँ लिवा जा रही है। तो चलो गाइस, मिलते हैं भाभी की रेसिपी के साथ अभी, बाय। ओ माय गॉड, हाँ इतना कोहरा, ला ला। ओ, बहुत ज्यादा कोहरा पड़ा हुआ है। ये देखो कितना प्यारा लग रहा है ना यार, हम तो सच में ना वहां से तो ऊब गए थे, अब अच्छा लगता है थोड़ा ग्रीन ग्रीन सब कुछ अच्छा लगता है ना। देखो कितने प्यार से उड़ रही हैं, आप देख सकते हैं सूर्य भगवान, इतने छोटू से दिख रहे हैं। और 7:30, सोच सकते हो कि अभी तो धूप, आई थिंक आज थोड़ा लेट होगी ना। ये देखो, ये है सरसों का,
सरसों की खेती है। ये देखो अभी यहाँ छोटे छोटे सरसों हैं, और वो दिख रही है दूर अरहर की खेती। और ये देखो यहाँ इतने बड़े बड़े सरसों। हाँ काफी टाइम हो गया, देखते हैं वीडियो कब हम एडिट कर पाते हैं, कब अपलोड करते हैं। बस आज ऐसे मन ही कर दिया कि चलो थोड़ा सा आप लोगों से चिट चैट कर लेते हैं ना। अच्छा लग रहा है ना, देखो। चलो आज आपको अपना फील्ड टूर कराते हैं, हम आपको दिखाते हैं कि मेरे खेत कहाँ कहाँ है और क्या क्या है उसमें। पूरा दिन का व्लॉग बनाएंगे, फिर कल अपलोड करेंगे, कल एडिट करेंगे, देखते हैं यहाँ अपलोड हो पाता है कि नहीं। यहाँ तो व्हाट्सअप नहीं चलता, तो यूट्यूब तो बड़ी दूर की बात है। तो गाइज ये है अरहर। और ये है गेहूं, गेहूं की खेती। तो अभी देख सकते हो कि बहुत छोटे छोटे हैं, अभी सींचे गए हैं। तो ये देखो सूर्य भगवान। ये है मेरी बाग, जिसमें आम और महुआ यही दो चीजें हैं। हमारा जब दिल उगता है तो हम यहीं आके बैठते हैं। और अभी तो कोहरा है इसलिए मेरा गांव नहीं दिख रहा, नहीं तो जो बाग देख रहे हैं उसके अंदर मेरा गांव है। तो अभी हम आपको अपना घर दिखाएंगे। ये है गार्लिक की खेती, यस लहसुन की खेती है। अभी दोपहर के 3 बज रहे हैं तो हम लोग थोड़ा घूमने निकले हैं, बुआ के यहाँ जा रहे हैं, बगल में ही है बुआ का घर, तो चलो चलते हैं। उससे पहले हम आपको दिखाते हैं चने की खेती। जो चने का साग आप लोग खाते होंगे तो जानते होंगे, ये है चना। आप देख सकते हैं ऐसे छोटे छोटे पेड़ होते हैं। यहाँ से देखो मेरा घर दिख रहा है पीले कलर में, और ये जो दो तल्ला दिख रहा है इसमें गाय भैंस बांधी जाती है। तो फ्रेंड्स चलो देखते हैं। तो ये है मेरा घर, आ गया ओ ओ ओ, ये मेरा घर दिख रहा है, मेरे चाचा का घर है, जस्ट बगल में मेरा घर है, तो ये दिख रहा है। तो आप देख सकते हैं कितना क्यूट दिखता है। घर के सामने ऐसी सब खेती है, आलू की खेती है। तो अभी है मेरे भाभी देखो बना रही हैं, तो चलो उनकी रेसिपी सीखते हैं। जो आलू बना रही हैं तो सबसे पहले उन्होंने ऑलिव ऑयल डाला है, उसमें जीरा डाल दिया क्रैक होने के लिए। अब जीरा क्रैक हो गया तो उसमें, गाँव में ग्रीन चिली सब ज़्यादा ही खाते हैं, तो उसमें उन्होंने जो 3-4 डाली हूँ काट के ग्रीन चिली। तो आप देख सकते हैं ग्रीन चिली भी हो गई। अब इसमें मटर ऐड करें, बिकॉज आलू बॉयल करके रखा हुआ है तो इसलिए मटर, गांव में मटर हो गई है तो मटर इसको पहले इसलिए बना रही है ताकि थोड़ी सी पक जाए, तब इसमें गरम मसाला ऐड करेंगी। तो उन्होंने देख सकते हैं आप कि अच्छे से इसको चला रही है, इसके बाद गरम मसाला ऐड कर दिया है। तो ये मेरी भाभी की रेसिपी है, हम लोग ऐसे नहीं बनाते थे बट भाभी ऐसी बनाती हैं। तो इसमें गरम मसाला, अब इसमें उन्होंने सॉल्ट ऐड कर दिया है। अब आप देख सकते हैं कि सॉल्ट ऐड कर रही हैं। अब मसाला ऑयल छोड़ रहा है, ऑयल जब छोड़ने लगता है तब उसमें क्या करती हैं, आलू ऐड कर देती हैं। काफ़ी सिंपल एंड इजी रेसिपी है, आप चाहें तो इसे ट्राई कर सकते हैं। आप देख सकते हैं कि अब उसमें उन्होंने बॉयल्ड आलू ऐड कर दिया। अब इसको अच्छे से मिलाएंगी, तब आप देख सकते हैं कि उन्होंने अच्छे से इसको मिला दिया है, कितना क्यूट दिख रहा है ना। अब करना क्या है, लिड लगा देना है, 2 मिनट पकने के लिए छोड़ देना है ताकि मसाला अच्छे से आलू में एब्जॉर्ब हो जाए। अब उन्होंने ग्रीन ग्रीन कोरिएंडर लीव्स ऐड कर दिया है। अब गर्म गर्म सर्व कीजिए, आप खाइए। हम लोग तो ये देखिए मेरा निकाल के रख दिया उन्होंने खाने के लिए। वाओ माउथ वाटरिंग, प्रत्युष की मस्ती देखिए, गांव में किस तरह बदमाशी करता था। ये देखो एक टायर ले लिया है साइकिल का, हाय उसी के साथ करो खेलता था। हाय अब वो खेत में ऐसी दिन रात दौड़ता था। ये जो चरी है गाय भैंस को खिलाने के लिए बरसिंग बोलते हैं। तो गाइस बाय, आई सी यू माय नेक्स्ट वीडियो।